न्यूयॉर्क की भाई बहन की जोड़ी ने इतिहास रच दिया है। इस जोड़ी ने 1300 फीट की ऊंचाई पर स्टंट वॉक किया है। दोनों भाई बहन निक और लिजाना 25 मंजिल की ऊंचाई पर एक केबल पर चले। उन्होंने ये स्टंट वॉक 35 मिनट में पूरी की। इतना ही नहीं, इस रोप वॉक के दौरान दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस भी किया। इस दौरान 42 वर्षीय लिजाना वोलेंडास केबल पर बैठ गई ताकि 40 वर्षीय भाई निक वेलंडास उसे क्रॉस करके दूसरी ओर जा सके। निक ने लिजाना को क्रॉस किया। निक ने बताया कि यह लिजाना का पहला स्टंट है। लिजाना 2017 में एक पिरामिड पर रिहर्सल करते हुए गिर गई थी जिसमें 8 लोग घायल हुए थे। इस दुर्घटना में लिजाना के मुंह की लगभग सभी हड्डियां टूट गई थी। हालांकि लिजाना पिछले 6 साल से इस तरह के स्टंट कर रही है, लेकिन निक का फोकस स्टंट के दौरान खुद से ज़्यादा लिजाना पर था। निक ने बताया कि 2012 में उन्होंने पहली बार नियाग्रा फॉल और 2014 में शिकागो की दो बहुमंजिला इमारतों के बीच स्टंट किया था।